चुनावी मैदान में जहां तमाम नेता अपनी किस्मत आजमा रहे हैं, वहीं कुछ ऐसे नेता भी रह चुके हैं जिनकी चुनावी पारी को भुलाया नहीं जा सकता। जी हां, हम बात कर रहे हैं मेव नेता तैयब हुसैन की, जिनके रहते चुनावों की एक अलग तस्वीर दिखाई दी। वहीं उन्होंने हर बार खुद को साबित भी किया। प्रदेश में बड़े बड़े कद्दावर नेता अपनी किस्मत आजमा रहे हैं, लेकिन जब भी प्रदेश में पुराने दिग्गज नेताओं का जिक्र चलता है तो जहन में देवीलाल, भजनलाल और बंसीलाल की तस्वीर उभरती है। तो वहीं तीनों प्रदेशों में मंत्री रहकर गिनीज बुक ऑफ रिकॉर्ड में अपना नाम दर्ज कराने वाले तैयब हुसैन को भी भुलाया नहीं जा सकता। जी हां, 1971 में हुए लोकसभा चुनाव में कांग्रेस उम्मीदवार तैयब हुसैन बड़े बड़े महारथियों को पछाड़ कर संसद में पहुँचे, बल्कि 3 बार अलग अलग प्रदेश पंजाब, हरियाणा और राजस्थान से विधायक चुने गए, साथ ही वहां मंत्री भी बने। आपको बता दें कि 1971 में कांग्रेस ने मेवात से तैयब हुसैन को मैदान में उतारा था। ये चुनाव कई मायनों में बहुत खास रहा था। 1971 के चुनाव में वीर अर्जुन के तत्कालीन संपादक के नरेंद्र के अलावा भारतीय क्रिकेट टीम के पूर्व कप्तान नवाब पटौदी और मशहूर उद्योगपति के मलिक हर प्रसाद नंदा भी चुनाव के लिए मैदान में उतरे थे। तो वहीं पटौदी के पक्ष में शर्मिला टैगोर और नंदा के प्रचार में फिल्म अभिनेता राज कपूर चुनाव प्रचार के लिए आए थे, लेकिन इन सब के बावजूद भी प्रदेश की जनता को लुभाने में सब नाकाम साबित हुए। साथ ही सबको मात देकर तैयब हुसैन ने भारी मतों से जीत हासिल की थी। ये तैयब हुसैन का पहला लोकसभा चुनाव था। हरियाणा की राजनीति में कई माहिर खिलाड़ी हैं जो हमेशा याद रहेंगे, कहीं इतिहास के पन्नों में तो कहीं लोगों की जुबान पर। ब्यूरो रिपोर्ट, जनता टीवी।